क्या हाल चला भाई। तो आज बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत दिन से तो नहीं बोलूंगा, बट हाल ही में मुझसे एक डीएम आया मुझे इंस्टाग्राम पे कि सर क्या मैं वेट लॉस कर रही हूँ तो उस दौरान मैं चावल खा सकती हूँ, क्या वेट गेन करने के लिए ही चावल खाना ज़रूरी है। तो ये सवाल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार लगा कि कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है, वो दोनों मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आपको क्या चावल छोड़ देना चाहिए अगर आप वज़न कम करना चाहते हो। क्योंकि लोग की लाइफ में मैंने देखा है कि उनको बिना चावल खाए उनकी जो डिनर का लंच हुआ वो पूरा नहीं होता, इतना सा भी लेंगे वो चावल, लेकिन ज़रूर लेंगे चाहे वो वेट लॉस करते हो चाहे ना करते हो। और कई लोगों को चावल तो भाई फेवरेट है, बिना राइस के उनका दिन बीतेगा ही नहीं, उनको लगेगा ही नहीं कुछ हम खाएँ। तो अगर आपका फैट लॉस टारगेट है या फिर वेट गेन करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको चावल खाना कंपलसरी है। क्या चावल खाते हुए भी आप अपना वज़न कम कर सकते हो, आज मैं इसी बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चावल में बेसिकली होते क्या हैं। तो चावल है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड है। बेसिकली वाइट राइस थोड़ा सा अनहेल्दी डाउन साइड कह सकते हो और ब्राउन राइस थोड़ा सा हेल्दी है एज कंपेयर करते हैं अगर दोनों साइड में, तो क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ राइस है, यानी कि जो उसका अपर लेयर छिलका होता है उसको निकाल कर उसको प्योरीफाई करता है तब जाके वो वाइट राइस बनता है। अगर आप ब्राउन राइस लोगे तो आपको जो फाइबर से क्वांटिटी है वो आपको ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू वाइट राइस। तो बेसिकली इफ़ यू डूइंग द कंपेरिजन बिटवीन वाइट राइस एंड ब्राउन राइस, द हेल्दी इज ब्राउन राइस, बट सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सबको टेस्टी नहीं लगेगा ब्राउन राइस, सबको टेस्टी लगेगा वाइट राइस। तो बात करते हैं कि वाइट राइस खा सकते हो आप अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो। जी हाँ, आप वेट लॉस कर रहे हो तो अपने डाइट में आप चावल ऐड कर सकते हो, बट एक लिमिटेड अमाउंट होना चाहिए। कंडीशन ये है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो उस कंडीशन में अपनी अगर पूरी डाइट आप हेल्दी रखे हो, ऐसा नहीं है कि आप सुबह भी चावल खाओगे, शाम को भी चावल खाओगे, दोपहर में भी चावल खाओगे, दिन भर चावल ही चावल घूमेगा, ऐसा नहीं करना आपको। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हो, यानी कि जितनी भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है उसके अंदर अगर वो चावल फिट हो जा रहा है, यानी कि 250-300 कैलोरी अगर आप एक बाउल चावल ले रहे हो, तो अगर वो उस मेंटेनेंस कैलोरी के अंदर आ रहा है देन इट्स गुड फॉर यू, इट्स सेफ फॉर यू, आप ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको वेट तो भी कम होगा। बट अगर आप कैलोरी सरप्लस में हो उसके बाद आप चावल ऐड कर रहे हो, वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, वहाँ पे आपका वज़न कम नहीं होगा, ध्यान देने वाली बात ये है। अब बात करते हैं जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं उनके लिए। तो अगर आप डेली जिम जा रहे हो या फिर मेरी वर्कआउट सीरीज फॉलो कर रहे हो मंडे से लेकर सैटरडे तक का, उस कंडीशन में अगर आपका वेट मॉडरेट है, आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-7 किलो आप एक्सेस हो अपने स्टैंडर्ड साइज ऑफ वेट से, तो वहाँ पे भी आप चावल इंक्लूड कर सकते हो। क्योंकि चावल क्या करता है, आपके चावल में होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में जाकर करते हैं क्या बनाते हैं, फॉर्म करते हैं ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज जब आप वर्कआउट करोगे, कहीं से भी फिजिकल एक्टिविटी आप करोगे, तो वो ग्लूकोज आपके बॉडी में सिक्रीट करता है एनर्जी। बट अगर उस चावल को कार्बोहाइड्रेट को बॉडी यूटिलाइज नहीं किया ग्लूकोज फॉर्म में, तब वो ग्लूकोज आपके बॉडी में स्टोर होगा एज अ फैट, तब आपका वजन बढ़ेगा। यानी कि जो लोग वर्कआउट नहीं कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम को सोते रहते हैं, सुबह 8 बजे उठेंगे फिर ऑफिस गए, ऑफिस में छोले भटूरे कुलचे इज अ पोर एग्जांपल नहीं दूंगा मैं, वो खा लिया, अगर चाय 3-4 चल गई उसके बाद चावल खा रहे हैं रात में, कोई दिन भर की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उस कंडीशन में आपका वेट ज़रूर बढ़ेगा, डैम श्योर मैं हूँ। ऊपर से शुगर आप इंटेक कर ही रहे हो चाय के फॉर्म में, ऊपर से आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी आप इंक्लूड करो अपनी डाइट में, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी 0 है, उस कंडीशन में आपके लिए चावल अनहेल्दी है, क्योंकि ज़्यादा आप कार्ब्स इंटेक कर रहे हो बॉडी में। अगर वैसे तो कंपेयर करें रोटी और चावल में तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, हाँ रोटी में आपको प्रोटीन इंटेक ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू राइस, ये फ़र्क है। अगर ब्राउन राइस और रोटी कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सेम ही मैं मान के चलता हूँ, बहुत फ़र्क नहीं है दोनों में, चावल और रोटी में। हाँ अगर आप अच्छा वर्कआउट फॉलो कर रहे हो, अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो, वहाँ पे चावल आप बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस ध्यान आप ये रखना अपनी मेंटेनेंस कैलोरी, आप ध्यान रखना कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरी लगभग 2500 जो भी है आप कैलकुलेट कर लेना। अगर आपको मेंटेनेंस कैलोरी नहीं पता है कि मुझे दिन भर में कितनी मेंटेनेंस कैलोरी मेरी है, कितनी मुझे कैलोरीज इनटेक करनी है, तो मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है वो वाली, मुझे याद नहीं बहुत पहले मैंने बनाया था, तो वो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो का अगर मैं समराइज करूँ, क्रक्स निकालूँ, तो चावल आप ले सकते हो अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हो, अगर अपने मेंटेनेंस कैलोरी के अंदर हो, डेली वर्कआउट फॉलो कर रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, उस कंडीशन में आप लगभग एक बाउल चावल अपनी डाइट में ले सकते हो। अगर ब्राउन राइस ले सकते हो वो आपके लिए बेस्ट सोर्स है। कहाँ से ले ब्राउन राइस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ले सकते हो। नहीं समझ आ रहा ऑनलाइन तो आप किसी
आस पड़ोस के मार्केट में चले जाओ, घुस कर निकाल लो, चोरी करके नहीं, खरीद के मास्क ला के आप घर पे यूज़ कर सकते हो। बेफिक्र होके खाओ यार, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं अगर आप अच्छा वर्कआउट अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो। तो ये बेसिकली करक्स था, थोड़ा सा छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग चावल खाना चाहिए कि नहीं अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, वेट गेन कर रहे हो, दोनों में। तो बस आई होप आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, कस्टमाइज डाइट चार्ट आपको चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ मुझे फॉलो करिए, वहाँ मुझसे डाइट चार्ट मांगिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं देना आपको, आप ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हो मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाओ, ईमेल आईडी पे मैसेज करो कि मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है, वो भी आप मेरे साथ ट्रेन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योग रत्नम, योर फ्रेंड, योर कलीग, टिल दैट स्टे फिट स्टे हेल्दी, बाय बाय।